हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवदानों का, आप देख रहे हैं एसीटेल को। मैं हमारे एमएमसी बैच का एक आउटपुट है, तो देखकर आपको पता चलेगा कि एमएमसी में बच्चे जो ब्लैक पीसेट कर रहे हैं उनका क्या एक आउटपुट रिव्यू है। और उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मेरे भाई बंदे मात्र में हिंदुस्तान के हर एक बंदे का, वो किसी का कॉपी या किसी का पेटेंट नहीं है। उसकी कॉपी कोई बना ही नहीं सकता है, वो हर एक के दिल से जुड़ा हुआ है। उसको हर दुकान वाला, घर पे, कार में, हर जगह आप इसको चला सकते हैं। सो ऐसा कोई भी फालतू कमेंट मत करना कि यार ये किसी के कॉपी का है, किसी ने अपने वीडियो में चलाया था तो आप मत चलाइए, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि यार इतना यार चूतिया साबित हो जाओगे आप, मैं समझ नहीं सकते कि बेसिकली। सो ये बिल्कुल यूज़ मत करना, ऐसा कोई भी कमेंट मत करना, क्योंकि इससे ना आप ही बेवकूफ़ ठहराओगे और कोई मतलब नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी के भरे कमेंट बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंटरटेन करो। अगर आपको एशिया टेलीकॉम में सीखना है तो वीडियो देखो, अदरवाइज़ अगर आप एशिया टेलीकॉम को इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि वीडियो तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है। ये वीडियो केवल उन्हीं लोग के हैं जो एशिया टेलीकॉम आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, जो अपने लाइफ में मेहनत करके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और जो सही माने में रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, एक सही एक रियल रिपेयरिंग यहाँ पर, क्योंकि पर्टिकुलरली टीम है, छोड़ो ये एक बहुत बड़ी टीम है और इंडिया में सबसे फेमस है हमें एसर टेलीकॉम। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है, इसमें जो बैकग्राउंड है, ये नेशनल है, ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ है और इसको मैं हर वीडियो में चलाऊंगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। जी हाँ सर, कहाँ से हैं आप? सर यूपी से, दानगर से। यूपी से हैं आप? तो अभी आपको आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले एमएमसी निकाला था, अभी आपने सीपी भी निकाला है। जी सर। तो ये देखा जाए तो वीवो का बोर्ड है ना? जी सर। ये तो वीवो का है? जी सर। ये नहीं, ओप्पो का है A37। ओप्पो का है A37। तो अभी एक बार बताइए कि ब्लैक पेस्टेड निकालने में आपको कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर, दिक्कत नहीं। सारी चीज़ें आपको बताइए, हीट कितना रखा जाए और एयर कितना रखा जाए, ये सब सारी चीज़ें बताया गई है? जी सर, बताया गया है और प्रेस टिक कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, एकदम अच्छे से हो रहा है। सुधार हो रहा है तो अभी कोई दिक्कत आ रही है क्या ब्लैक पेस्टेड निकालने में? आज तो दिक्कत नहीं है, आज एक भी प्रिंट कुछ नहीं निकला। अच्छा, लोग कहते हैं कि ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का, वन प्लस का, ये सब सारी जो होती हैं बोर्ड का जो ब्लैक पेस्टेड लगा हुआ होता है, वो क्या हार्ड होता है क्या? सर वो जो नहीं करते उनके लिए, एक बार टेक्निक मिल गए यहाँ पे बता दी, उसके बाद कोई हार्ड नहीं है वो। मतलब वो सारा गेम टेक्निक का होता है, देखा जाए तो। और तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली? नहीं है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने बस ये पहले ही फोन पे बस निकाला कि बाकी भी फोन पे निकाला? नहीं, मैंने पहले भी, कल भी निकाला था, परसों भी स्टार्टिंग से निकाला हूँ, पहले एक दो प्रिंट निकला था, आज कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मतलब आपने सीपीयू निकाला है तो अभी सीपीयू में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एमएमसी भी चेक किया, वो भी मेरा एकदम सही है, यूएफआई में डाल के। यूएफआई में आपने उसको आइडेंटिफाई भी किया? हाँ, एमएमसी को आइडेंटिफाई किया और सही एकदम। तो अभी आगे कोई आपको दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर, नहीं। अभी आपको कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड पे काम करके? बहुत अच्छा सर, मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत टफ लगता था, कोशिश करता था, पूरा प्रिंट प्रिंट उखड़ जाता था, बट अब नहीं उखड़ा। अभी नहीं उखड़ रहा है? अब नहीं उखड़ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, रिपीट अप। अभी आपका तीसरा दिन है ना? जी सर। अभी बाकी आपको एक हफ्ता, अभी 7-8 दिन आपका क्लास बचा हुआ है, तो अभी आपको लगातार डेली ब्लैक पेस्टेड पे काम करना है। जी सर। तब तक तो सर टाइमिंग भी बहुत कम हो जाएगा निकालने लगाने का। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अक्टर जी, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हैं आप? तो अभी एक बार बताइए कि आपने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया? यस सर। ब्लैक पेस्टेड पे कोई निकालने में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए हीट, एयर, ये सब सारी चीज़ें आपको ट्रिक्स बताई गई? जी सर। तो सारी चीज़ें समझ में आई आपको? अभी आपको ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर। अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? आ सकता है? आ सकता है, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका?
यशपाल से। यशपाल जी कहाँ से हैं आप? पंजाब से सर। पंजाब से हैं, तो एक बात बताइए यशपाल जी कि आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम किया आज? जी सर। कितने दिनों से ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? 3 दिन हो गए। तीसरा दिन आज आपका है ब्लैक पेस्टेड पे काम करते हुए, तो अभी आपको कोई ब्लैक पेस्टेड पे निकालने में लगाने में कोई दिक्कत आ रही है क्या क्लीनिंग प्रोसेस में बात करें तो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको सारी ट्रिक्स बताई गई हैं? जी जी बिल्कुल। कितने पेयर रखना, कितने पेयर रखना है, कितने पे ग्लू कटिंग करना है, कितने पे आपको सीपी उठाना है, एमएमसी का हीट कितना है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई आपको? जी सर। सारी चीज़ें समझ में आई आपने? हाँ सर समझ में आई, इसीलिए निकल पाया जी। कॉपी पे लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया? लिखवाया गया सर, कॉपी पे है। सारी चीज़ें कॉपी पे भी बताया गया जी। कॉपी बात करें आपकी, आपकी एमएमसी की भी क्लास आपके साथ ही चल रही है, तो आप एमएमसी के बारे में बताइए कैसा चल रहा है आपका क्लास? एमएमसी का क्लास सर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, और बात करें थ्योरी, थ्योरी तो बस नहीं हो रहा? नहीं नहीं, थ्योरी नहीं हो रहा, थ्योरी थोड़ा टाइम थ्योरी होता है, उसके बाद उसी का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कराया जाता है साथ के साथ में? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किसके फोन पे किया कराया जाता है जो प्रैक्टिकल होता है, किसके फोन पे कराया जाता है? वो सर स्टूडेंट के फोन है, स्टूडेंट का ही फोन होता है जी। तो ऐसा तो नहीं कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ईएमएमसी ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी निकालने में ईएमएमसी को ही डैमेज कर दिया हो? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं किया? चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको आज कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? विष्णु सर। विष्णु जी कहाँ से हैं आप? झारखंड से। आप झारखंड से हैं, तो एक बार बताइए कौन से बोर्ड पे आप काम कर रहे हैं? तो पेस्टेड आईसी है। पेस्टेड आईसी है, और कौन से ब्रांड का बोर्ड है जरा बताएंगे, किस कंपनी का फोन? वीवो का है। वीवो का फोन है, तो एक बार बताइए कि वीवो के फोन पे काम करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं अब दिक्कत कुछ नहीं है। अब दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत थी आपको? पहले तो मैंने पेस्टेड आईसी देखने के बाद तो रिटर्न ही जाता था। रिटर्न जाता था, तो अभी कोई ब्लैक पेस्टेड अगर मान के चलिए कि लोग कहते हैं कि ये लावा हुआ का बात करें तो ये नॉर्मल होता है पेस्ट, और वीवो का हार्ड होता है, ओप्पो का हार्ड होता है, रियलमी का हार्ड होता है, वन प्लस की बात करें तो एक बात बताइए कि ये सब सारी चीज़ें आपको हार्ड लग रही हैं क्या? नहीं अब ऐसा टेक्निक मिल चुका है कि हार्ड तो मैंने एकदम सॉफ्ट लग रहा है। सारी चीज़ें स्किल की मैटर करती है ना, तो अभी आप वीवो का निकाल रहे हैं, वीवो का निकालने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? प्रिंट कोई गया कि नहीं गया? प्रिंट नहीं गया हुआ, सारा प्रिंट है। सारा प्रिंट है, बिल्कुल देख सकते हैं कि एमएमसी बिल कितना फ्रेश है। और अभी आपका तीसरा दिन है, आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तो और भी बहुत मेहनत करना होगा, अभी आपको और मेहनत करना है, लेकिन इतने में ही आप तीसरे दिन में ही सारी चीज़ें समझ गए हैं, है ना जी। चलिए, अभी आपको ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बात करें आपकी एमएमसी की क्लास चल रही है, आपकी थ्योरी और साथ के साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है? नहीं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से हैं आप, तो अभी क्या कर रहे हैं? सर पेस्टेड आईसी निकाला था। पेस्टेड आईसी निकाले हैं? हाँ जी हाँ। एक इसमें से निकाला था, ये वाइट पेस्टेड है ना? हाँ जी सर वाइट। और इसमें क्या किया आपने? ब्लैक पेस्टेड पर ये WDL ST निकाला था, नेटवर्क जंक्शन में, नेटवर्क की आईसी निकाला था आपने। फिर एक बात बताइए कि आप उसको निकालने में कोई दिक्कत आई क्या आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आज आपका तीसरा दिन का क्लास है गौरव जी, तो अभी आपको ब्लैक पेस्टेड पर काम करके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बस थोड़ा मोड़ा ट्रिक बता दिया गया और आप उसी पे काम कर रहे हैं? नहीं सर क्लियर से बताया गया और क्लियर से काम कर रहे हैं, बाकी तो प्रैक्टिस पर है, घर पे जाके प्रैक्टिस कर रही है। घर पे जाके फंसने वाले तो नहीं है? नहीं नहीं वो सर वो चीज़ें क्लियर हैं, बट आप क्लियर हो रहा है सभी सारा कुछ समझ। सारी चीज़ें आपके हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना काम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ब्लैक पेस्टेड पे ही आप काम कर रहे हैं तो कितने देर कर रहे हैं, कितने फ़ोन पे कर रहे हैं, सब चीज़ें मैटर करती है कि नहीं करती? यस करती हैं, हमारे टीचर ने भी ये चीज़ हमें कही है, कोई ऐसे नहीं है। कम से कम 300 घंटे हम अपने काम करेंगे, मान के चलो 100 दिन, 3 दिन 3 घंटे रोज के, तब ये बात क्लियर होने वाली है। वो चीज़ें नहीं है अभी कह दिया और अभी आप वीडियो में, वो अलग बात है, प्रैक्टिकल तो होएगा ही ना सर। अच्छा बताइए गौरव जी कि लोग कहते हैं कि नॉर्मल बोर्ड जो होता है और वीवो का ओप्पो का सर बहुत हार्ड होता है, ये देखिए वीवो का ही बोर्ड है, तो आपने इसका CPU भी निकाला है ना? हाँ जी सर। तो अच्छा बताइए कि निकालने में कोई दिक्कत आई क्या आपको? नहीं सर वैसे तकनीक एकदम क्लियर है, बाकी अपन हमारी खुद की कोई हो सकता है टेक्निक में, थोड़ा बहुत समझने में अभी टाइम तो लगेगा ही ना। सारी चीज़ें आपको बताई गई लिखवा के सर, मतलब देखिए आपको इतने प्रिंट करना है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है दिखाने की, पर मतलब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना? यस सर। अभी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। ब्लैक पेस्टेड पर काम कर रहे हैं, इसके पहले कभी आप आईसी पर काम करते थे? नहीं सर ब्लैक पेस्टेड तो रिटर्न ही करना पड़ता था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? बढ़िया सर आए, जरूर आए, ऐसा नहीं उनका पैसा वेस्ट जाएगा गौरव जी। नहीं नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी
तो क्या कर रहे हैं आज, क्या किया आपने ये बताइए? ब्लैक पेस्टेड आपने देख सकते हैं, ये कौन सा बोर्ड है? ये ओप्पो का बोर्ड है। तो अभी बताइए कि ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं? सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब बात करें आपको व्हाइट पेस्टेड या ब्लैक पेस्टेड में, दोनों में बात करें तो दोनों निकाल लेंगे। और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो इजी निकल जाएगा, इजीली निकल जाता है। अब बात करें कि ब्लैक पेस्टेड में, व्हाइट पेस्टेड में और नॉन पेस्टेड में, अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये पेस्टेड है ये नॉन पेस्टेड? नहीं नहीं सर, वही बराबर सही लग रहा है। हीट की बात करें, हीट बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है? बिल्कुल प्रॉपर, सारी चीज़ें आपको हीट के बारे में, एयर के बारे में बताया गया? बिल्कुल सब बताया गया। अभी ब्लैक पेस्टेड निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं। आज आपकी कौन से दिन की क्लास थी? आज तीसरे दिन की। तीन दिन में कोई आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया? बहुत इम्प्रूवमेंट है सर। पहले तो सोचते ही नहीं थे कि निकाल पाएंगे, अभी निकाल रहे हैं आराम से। अभी आराम से निकल रहा है। क्लीनिंग प्रोसेस की बात करें तो क्लीनिंग भी हो रही है, अच्छी हो रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल आ सकता है सर, बेशक। पेस्टेड राइस निकालने में पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अशोक जी, हाँ सर, ये बताइए कि ये नॉर्मल था ब्लैक पेस्टेड था? ईमानदारी से बताइएगा। ब्लैक पेस्टेड था। अच्छा चलिए ठीक है, तो ब्लैक पेस्टेड था। तो अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लीनिंग प्रोसेस नहीं कोई? वाइट पेस्टेड हो अभी आपको? ब्लैक पेस्टेड नॉर्मल की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में बताइए, चैनल काम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा है, सीखने में सब कुछ मिल रहा है इधर, कोई भी आएगा तो सीख पाएगा, सीख के जाएगा। ऐसा तो नहीं है बस आए बैठा रहे सर, और उसका पैसा वेस्ट हो रहा है? वो तो उसके खुद के ऊपर है, खुद के ऊपर चाहेगा तो सीखेगा। हाँ सीखने वाला मतलब देखा जाए तो गुरु तो ज्ञान देता ही है, लेने वाले ले पाते हैं, है ना? और नहीं लेने वाले क्या करते हैं? नहीं ले पाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं पैसा बैठ जाएगा? नहीं सर नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मनमोहन। मनमोहन जी जी, कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं आप। तो अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम किए हैं सर? ऐसा लग रहा है अभी? ऐसा लग रहा है अभी। ब्लैक पेस्टेड आपको नॉर्मल की तरह लग रहा है? नहीं नॉर्मल की तरह लग रहा है, देख सकते हैं। और जरा दिखाइए, जरा आपने जो क्लीनिंग प्रोसेस किया है दिखाइए, जरा अपना सीपीयू का वो साइड दिखाइए। ये ब्लैक पेस्टेड ही था ना? ब्लैक पेस्टेड देख सकते हैं, हार्ड वाला। अरे हार्ड और नॉर्मल होता है क्या? हार्ड नॉर्मल होता है। जोर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। अभी आपको जो ट्रिक बताया गया है, आपको हार्ड लग रहा है क्या? कि कोई नहीं, मतलब कोई भी ब्लैक पेस्टेड आपको व्हाइट पेस्टेड दिया लगा क्या हार्ड है? हार्ड नहीं, कोई ब्लैक पेस्टेड पर आसान लग रहा है अभी? बिल्कुल आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, नॉर्मल। कैसे पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है ये बताइए? एशिया टेलीकॉम से। अभी आपकी तीसरे दिन की क्लास है, देखा जाए तो आप ब्लैक पेस्टेड पे आप तीसरे दिन से काम कर रहे हैं ना जी? तो अभी आपको नॉर्मल जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा, नॉर्मल जैसा लग रहा है। नॉर्मल जैसा लग रहा है तो अभी आगे आप काम कर पाएंगे? हाँ जरूर। ऐसा तो नहीं है कि बस यहीं पे कर पा रहे हो और कैमरे के सामने झूठ बोल दे रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे सर? जरूर आना चाहिए, जो काम सीखना चाहिए। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं पैसा क्या वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा कंपनी का था ये बोर्ड? रियलमी फाइव का। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है? निहार। निहार जी, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से हैं आप। तो आपके चेहरे की स्माइल बता देती है कि आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, है ना? आप अकेले ही जबरदस्त काम कर रहे हैं या सारे कर रहे हैं? सब कर रहे हैं सर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बस आप ही कर पा रहे हो, आपके लिए अगर स्पेशल से मतलब आपको कर? नो सर, यहाँ पर ऐसा है अगर कोई काम नहीं भी कर पाता है तो उसको फ्रंट सीट में बैठा कर काम करवाया जाता है, सामने बैठा कर कराया जाता है। अच्छा बताइए कि स्ट्रिक्टली उनको ट्रीट किया जाता है नहीं, जो काम जी थोड़ा सा भी स्लो करता है या हाँ, हाँ, होता है कि वो थोड़ा ध्यान न दे रहे हो तो फिर उनको ध्यान दिया? टीचर ध्यान देते हैं नहीं देते? हाँ जो तो अपने आप जो डिस्टर्ब होते हैं उनको सर फ्रंट सीट में बैठाते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके। अच्छा बात करें कि आपको ऐसा तो नहीं है कि क्लास देने के बाद टीचर्स आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं? नो ऐसा तो कभी नहीं है। क्या करते हैं? हमारे जो 27 तारीख से हमारा काउंसलिंग क्लास से आज तक हमारा एक भी क्लास नहीं जहाँ पर कोई भी टीचर, हमारे देव साहब तो आते हैं 12 बजे से जाते हैं शाम 6 बजे तक, और उन्होंने उनका आने से 6 बजे तक उनका आवाज़ कभी ऐसा कभी नहीं लगता है कि वो टायर्ड हो रहे हैं। अच्छा मतलब बात करें देव सर की एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब अभी आपको तक अभी तक ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि उन वो कभी मतलब थकते भी हैं पढ़ाते?
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप जब वो दिखाइए ना अपना, आपने जो क्लीनिंग प्रोसेस किया है, आईसी दिखाया, आपने निकाला जो ब्लैक पेस्टेड, एक बात बताइए प्रिंट्स गए हैं कि नहीं आपके? नो सर, जो प्रिंट्स और जो दो तीन गए हैं वो एनसी पॉइंट है। एनसी पॉइंट है, हाँ। तो अगर भाई दबे आपका एनसी की जगह पे कोई निकल जाए प्रिंट, तो आप हाँ, उसके लिए क्या कर पाएंगे? माइक्रो जंपरिंग कर लेंगे। हाँ सर, चलिए माइक्रो जंपरिंग में कोई दिक्कत आएगी क्या? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सुशांत। सुशांत जी कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं आप भी, आप लोग साथ में आए? हाँ साथ में। साथ में आए, तो आज आप ब्लैक पेस्टेड पे काम किए? कौन से कंपनी का बोर्ड है ये? सर आसूस का है। आसूस का बोर्ड है, तो अच्छा देखिए बगल में आपके रियलमी का बोर्ड पे काम कर रहे हो, कोई वीवो पे कर रहा है, कोई ओप्पो पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अलग अलग पेस्ट हो? नहीं नहीं, सेम क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आती हो? नहीं सर। सारी ट्रिक्स आपको बताई गई है? जी सर। अभी आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत? नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। और बात करें आपकी एमएमसी की भी क्लास साथ के साथ में ही चल रही है, तो ब्लैक पेस्टेड में भी आपका काम चल रहा है, तो मतलब दोनों चीजें आपकी सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं सही चल रहा है, कॉम्बिनेशन में चल रहा है एमएमसी और ब्लैक पेस्टेड। हाँ, तो बात बताइए कि आपका थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है एमएमसी का? हाँ करवा जाता है, जो हमारा थ्योरी में बताते हैं सर वो प्रैक्टिकल में होता था, हम खुद करते हैं। प्रैक्टिकल आप खुद करते हैं? जी सर। अच्छा बात करें कि जो एरर्स हैं, एरर्स के बारे में सर डीपली क्लियर बताते कि नहीं बताते? पूरा डीपली पूरा क्लियर, वन ए टू जेड तक। नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है? बहुत सर, बहुत, जो सोचा भी नहीं था वो मिल रहा है। अच्छा बात करें कि आप इसके पहले कभी आईसी पे काम करते थे? करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन सही सही टेक्निक मालूम नहीं था। सक्सेस होता था? नहीं नहीं सर। अभी आपने कहाँ सीखा इन सब चीज़ों को? एशिया टेलीकॉम में आके सब। ऐसा पॉसिबल है तीन दिन में आप कोई ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड? पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपके पास कोई आना चाहते क्या बोलते? मैं बोलना चाहता हूँ जो सीखना चाहते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र सर। महेंद्र जी कहाँ से हैं? महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं ये बताइए? ब्लैक पेस्टेड आईसी सर। ब्लैक पेस्टेड पे काम किए आपने, सीपीयू निकाले, ईएमएमसी भी निकाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइए कि कोई प्रिंट गया है क्या आपका? सर एक दो गया है, बाकी सब एनसी सर। एक दो प्रिंट गया है और बाकी सारे एनसी हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपकी तीसरे दिन की क्लास है, और ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब मेरे से दो प्रिंट चले गए? नहीं सर, कहीं नहीं। अगर वो दो प्रिंट चलेंगे तो उसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? सर बिल्कुल बना पाएंगे। सच बता रहे हैं? है सर। ऐसे ही बस कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं कि हम बना लेंगे? नो सर, सब सारी चीज़ें आपको डीपली बताई गई है? है सर। कि मतलब कितने पे हीट रखना है, कितने पे एयर रखना है, अगर आपका बाय द वे कहीं प्रिंट आपका निकल जाता है तो आपको कैसे माइक्रो जंपरिंग करना है बताया गया है? यस सर, सब पता, सारी चीज़ें बताई गई हैं। यस सर। चलिए और बात करें कि आज आपकी ईएमएमसी की तीसरे दिन की क्लास है। जी सर। आपका हार्डवेयर देव सर के साथ खत्म हो चुका है, और सॉफ्टवेयर बात करें तो दुर्गेश सर के साथ खत्म हो चुका है। जी सर। आपकी क्लास चल रही है मिलन सर के साथ। यस सर। आपकी ईएमएमसी की क्लास। जी सर। तो अभी आपको ईएमएमसी, अच्छा आप बताइए कि ईएमएमसी पर कभी काम किए थे आप? नहीं सर बिल्कुल। आईसी पर कभी काम किए थे आप? नहीं सर। नहीं किए थे, तो मतलब ये सब मतलब कितने दिन से काम करते हैं आप? मैं मतलब ये आईसी तो अभी ब्लैक पेस्टेड तीन दिन से काम चल रहा है सर। नहीं बात करें आपकी एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस सर तीन साल से मैं तीन साल से काम कर रहे थे, लेकिन आप कभी आईसी पे काम नहीं किए? नहीं सर। तो अभी आप तीन दिन में ब्लैक पेस्टेड आईसी भी निकाल रहे हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसको? आ सकता है बिल्कुल, एशिया टेलीकॉम। पैसा वेस्ट चला जाए? नहीं सर बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स। क्या नाम है आपका? विशाल सर। विशाल, चेहरे की स्माइली बता रही है विशाल ने, तो बताइए ना क्या कर रहे हैं? पेस्टेड आईसी सर। आज आपने क्या किया ये बताइए? पेस्टेड आईसी। पेस्टेड आईसी आपने निकाला? हाँ। तो अभी बताइए कि पेस्टेड आईसी निकालने में आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। बात करें आपकी ईएमएमसी के आज तीसरे दिन की क्लास है, तो तीन दिन के क्लास में आपको कुछ यूनिक फील हो रहा है कि हाँ अभी जाने के बाद जबरदस्त काम करना है? करेंगे सर। करेंगे? हाँ। तो ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा एक बात बताइए कि हार्ड हो या लो हो, कोई सा भी बोर्ड हो, पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर। अच्छा आप बताइए कि क्या जरूरी होता है ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड आईसी को निकालने के लिए, क्या जरूरत पड़ती है? स्किल की जरूरत है। स्किल का जरूरत, और दूसरा? टेक्निक चाहिए। टेक्निक मेन चीज़ है क्या? टेक्निक। और दूसरी मेन चीज़ क्या है हमारा? स्किल। तो स्किल आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। रेगुलर तीन दिन से आपको स्किल दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। अगर आप कहीं गलती करते हैं तो उसके बारे में फिर समझाया जाता है कि नहीं समझाया? समझाया जाता है। समझाया जाता है। आपके वहाँ से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे?
आ सकता है, ऐसा नहीं पैसा वेस्ट हो जाए उनका आने के बाद, नहीं जाएगा? नहीं। चलिए क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? अच्छा है सर। अच्छा है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर जी कहाँ से हैं आप? मुंबई। मुंबई से हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड पे। ब्लैक पेस्टेड आप निकाल रहे हैं, तो ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत जा रही है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है? हाँ सर। तो आज आपकी कित कौन से दिन की क्लास है जरा बताइए? आज तीन दिन हो गया ब्लैक पेस्टेड। आज तीसरा दिन है, और बस ऐसा नहीं बस ब्लैक पेस्टेड को ही बताया जाता हो पूरा दिन? नहीं नहीं, बाकी आपको एमएमसी भी थ्योरी बताया जाता है? थ्योरी बताया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है? ऐसा नहीं बस थ्योरी पढ़ा के आपको छोड़ दिया जाता हो? नहीं नहीं, उसके बाद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं आप, मतलब किस चीज़ पर प्रैक्टिकल करते हैं? जो नहीं जो आज थ्योरी हुआ उसी पे नहीं प्रैक्टिकल होता है। जो कंटेंट आज का है, जो चीज़ आपको आज पढ़ाया जाता है उसी पे आपको उसी दिन थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है? प्रैक्टिकल कराया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बस बता देते हो और सर अपने चेयर पे बैठ जाते हो? नहीं नहीं, जो अगर नहीं समझे तो भी उसके बाद उसको बैठा के। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर, तो डांट वांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? डांट नहीं पड़ती सर, नहीं पड़ती है। चलिए आपने अभी ऐसा नहीं किया होगा कि आपको डांट ना पड़ा हो, तो चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपको ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अभी आप कितने बोर्ड पे, आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर? अभी तो मैं तीन बोर्ड पे हो चुका। तीन दिन में तीन बोर्ड पे काम कर, सीपीयू पे काम कर चुके, एमएमसी पे काम कर चुके, बाकी अभी किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं? सर अभी थोड़ा बहुत तो स्किल है, रहना ही चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे कोई प्रीवियस गया कि नहीं? कल एक गया था, आज एक भी नहीं है। कल एक गया था और आज एक भी नहीं गया, मतलब स्किल आ रहा है धीरे धीरे? ये ड्राई सोल्ड है वो पहले का। अच्छा पहले से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको आपको जाना चाहते हैं आप बोले? आ सकता है सर। आ सकता है, चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहसिन सर। मोहसिन, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं आप, तो बताइए ना आपका कौन से दिन की क्लास है आप जो ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड तीसरे क्लास है। तीसरे दिन की क्लास है, तो बताइए ना तीन दिन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले दिन की बात करें तो आप ब्लैक पेस्टेड पे काम किए थे? आज व्हाइट पेस्टेड पे किए सर हमने, कल ब्लैक पेस्टेड पे किए थे, आज व्हाइट पेस्टेड किए। तो कल की बात करें तो कल आपका कोई प्रिंट गया था? नहीं सर। और बात करें आज व्हाइट पेस्टेड पे भी काम किए तो आज कोई? सर अभी प्रैक्टिस चालू है लेकिन बढ़िया तरह से हो जा रहा है सर, एक दो पॉइंट चले गए सर आज से, वो हीटिंग की वजह से सर। हीटिंग की वजह, चलिए ठीक है, तो आपकी गलती को जैसे चला गया है, तो एक बार बताइए कि अगर प्रिंट चला जाए तो आप उसको रिपेयर कर सकते? रिपेयर कर सकते सर, माइक्रो जम्परिंग किया सर हमने। माइक्रो जम्परिंग किया और आगे भी कर पाएंगे? आगे भी कर पाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको आपको जाना चाहे तो? बिल्कुल सर आ सकते हैं, पर बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है सर यहाँ पर। सिखाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे ऐसा बताइए कि यहाँ पे सिखा सकते हैं आप? दिखाइए जरा सीपीयू, दिखाइए क्या निकाला आपने सर? सीपीयू और ईएमसी निकाले। अच्छा ठीक है, वॉल करके रखें, अभी वो पीसीबी पे क्लीन करना है, क्लीन करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? तौसीफ सर। तौसीफ जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप, तो बताइए आज आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम किए? हाँ सर किए। कैसा लगा आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम करके? अच्छा लगा सर। नॉर्मल लगा या फिर हार्ड लगा? नहीं पहले दिन हार्ड लगा सर, आज तो एकदम इजी लगा सर। अब नॉर्मल आईसी की तरह काम कर पाएंगे? हाँ सर आज तो बहुत इजी लगा सर। काम करने में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत? पहले दिन हार्ड लग रहा था सर पर आज तो एकदम इजी लगा सर। तो आज आपकी तीसरे दिन की क्लास है, तो पहले दिन में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगा? हाँ पहले दिन में लगा थोड़ा सा, धर रहे थे, पर आज नहीं सर, आज एकदम इजी तरीके से निकाले। आज बिल्कुल नॉर्मल आईसी की तरह निकाले? एकदम नॉर्मल आईसी तरीके से निकाले सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपका उसको आना चाहे तो क्या बोलेंगे? बेशक आ जाए सर। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? इसामुद्दीन। इसामुद्दीन जी बताइए, आपको लगता है वीवो की या वीवो पे निकालना है? हाँ सर वीवो। अच्छा इसामुद्दीन जी एक बात बताइए कि आपको, जहाँ तक मैंने सुना है, हाँ सर, आप अभी मोबाइल फील्ड में जो पहला कदम रखे हैं, हाँ सर, आप कहीं किसी दुकान पे नहीं गए? नहीं सर। सीखने के लिए आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए? डायरेक्ट एशिया टेलीकॉम में आए हैं। डायरेक्ट है, मतलब आपका देखा जाए तो मोबाइल फील्ड में पहला कदम जो आपने रखा है वो सीधे कहाँ रखा है? एशिया टेलीकॉम में। तो आप देखा जाए तो आप फ्रेशर हैं? हाँ सर। है ना, आप पहले शायद घर पे मतलब रहते थे, पढ़ाई? घर पे रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, तो अभी एक बात बताइए कि ब्लैक पेस्टेड पे आप काम कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मतलब 22-23 दिन की क्लास हो, 22-23 दिन के क्लास में ही आप ब्लैक पेस्टेड पे काम करना चालू कर दें? सर एशिया टेलीकॉम में एकदम पॉसिबल है। पॉसिबल है, और मैं ब्लैक पेस्टेड ऐसे निकाल रहा हूँ आईसी को जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा, मतलब ट्रिक बताएं सर, मतलब एकदम आसानी से।
हाँ सर, तो अभी कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कल भी निकाला था, परसों भी निकाला था, आज भी निकाला हूँ। तीन दिन की क्लास है, तीन दिन रोज निकाला हूँ। तीन दिन की क्लास में आप डेली ब्लैक सर, तीन दिन के क्लास में आप डेली आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? हाँ सर। तो अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको वहाँ पर आना चाहते क्या बोलेंगे? एकदम आ सकते हैं सर, बिंदास। आप क्या बोलेंगे यहाँ के टीचर्स जो हैं? सर टीचर लोग तो एक नंबर हैं सर, जो भी ट्रिक बता रहे हैं और हर स्टूडेंट के पीछे मेहनत कर रहे हैं लगन से एकदम, कि मतलब हमारा स्टूडेंट एकदम मतलब काम करके ही आज मतलब क्लास से रूम पे जाएगा हॉस्टल पे। बात करें देव सर की, क्या बोलना चाहेंगे? देव सर का सर लेक्चर एक नंबर है, जो लेक्चर उनके क्लास में है उनका लेक्चर एक नंबर लेक्चर मतलब करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 12 बजे से लेकर और कंटिन्यू 6 बजे तक थकते नहीं है, खड़ा खड़ा एकदम मतलब, और पूरे स्टूडेंट को मतलब एकदम क्या बोलते मजे से एकदम पढ़ाते रहते हैं। समझ में आता है सारी चीज़ें? सारी चीज़ें समझ में आता है। बात करें दुर्गेश सर की, सॉफ्टवेयर की क्लास जो आपकी दुर्गेश सर के साथ? सर दुर्गेश सर का भी क्लास बहुत अच्छा रहा सर, बहुत एक नंबर सर हैं दुर्गेश सर, जो भी पढ़ाते हैं एकदम मतलब सलाहियत से और एकदम सरल तरीके से बताते हैं कि हमको समझ में आ जाए। अगर बात करें एमएमसी की, एमएमसी की भी हमारे मिलन सर के बारे में? सर मिलन सर सर का तो जवाब नहीं है सर, बहुत अच्छे से मतलब हम लोग को जो भी मतलब ट्रिक बता रहे हैं, जो भी हर तरह से मतलब जैसे हमको समझ में आए वैसे समझा रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। अच्छा हाँ सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको आना चाहे तो क्या बोलेंगे? एकदम आ सकता है सर, बेधड़क आ सकता है पैसा। अगर उसको पहला कदम रखना तो एशिया टेलीकॉम में? एशिया टेलीकॉम में रख दे सर, उसको कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है सर, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपका वीवो का है, ब्लैक पेस्टेड बोर्ड है और आपने इसका क्लीनिंग प्रोसेस भी किया है, दिखाइए जरा। चलिए ठीक है, अगर इसमें कोई प्रिंट चला जाए तो सर आराम से उसको हम रिपेयर करके बना सकते हैं, प्रिंट चला जाए तो एकदम आराम से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर रुस्तम अली। रुस्तम जी कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से हैं आप, तो बिहार से हैं, एक बात कहें रुस्तम जी सर, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ बिहार तक जानी चाहिए। तो ब्लैक पेस्टेड पे आपको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, अभी तो आज मेरा तीसरा दिन था, तो ये मार्केट का बोर्ड है, इस प्रैक्टिस वाला बोर्ड है, तो ये बहुत ओल्ड है इसलिए ऐसा है, नहीं तो मेरा ये दो दिन का पहले का ही आप देख सकते हैं इसका। दो दिन पहले भी आपने ओप्पो H3S पे काम किया था, बताइए ना कोई प्रिंट गया क्या? नहीं सर, थोड़ा रख दीजिए, हमारे व्यूवर्स को भी देखने दीजिए। क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको, मतलब रेगुलर आप एक बोर्ड पे काम कर रहे हैं? ये देखिए, ये फर्स्ट डे का, सेकंड डे का। तो अभी कोई दिक्कत जा रही है क्या, बताइए रुस्तम जी? नहीं सर, एक्चुअल में जब हम कोई भी काम करते हैं जो हमें नहीं पता है तो हमें डर लगता है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग का डर जो है, ये यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डर नहीं लग रहा है टेस्टेड निकालने में, क्योंकि ऐसा ट्रिक है, ऐसा जो भी तकनीक है उसे मतलब हमारे अंदर ये मन में है कि हम जितना भी करेंगे हमारा ये MMC या बोर्ड फूलने वाला नहीं है, खराब होने वाला IC नहीं है। मतलब ऐसा ट्रिक आपको सर ने बताया है? जी ऐसा ट्रिक सर ने गाइड किया, बोर्ड भी नहीं फूलेगा, आपकी IC भी डैमेज नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए, जो आप IC निकाले हैं ब्लैक पेस्टेड पे, तो कोई भी IC खराब हुआ था निकालने में? नहीं, मैंने इसको खुद UEFI में रीड किया है, ये दोनों ठीक ठाक है, बिल्कुल ओके है। आपने उसको सारे चीज़ें देखी, कौन से मॉडल की है, क्या है क्या नहीं है? अच्छा देखिए, आज अभी आपका तीसरे दिन का EMMC का भी क्लास चल रहा है ना, तो साथ के साथ में जो आपने EMMC निकाला है, सब ने डिटेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है उसमें, है ना, कौन सा उसका इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा उसका इन्फॉर्मेशन गलत है, लाइव सर बताते हैं नहीं बताते? बिल्कुल सर, स्टेप वाइज, और सर में एक ये एक अच्छा डॉक्टर सर वही होता है जो पेशेंट का जो है ना उसका मतलब कहाँ फॉल्ट है, उसके अंदर क्या बीमारी है वो जान जाए, तो सर ने ऐसा स्टेप जो है स्टेप वाइज क्लियरेंस करते हैं और सर ये जान जाते हैं मतलब अपना एक्सपीरियंस है कि कौन सा स्टूडेंट हमको उसके अंदर क्या कमी है, तो उसको बार बार उसको इनकरेज करते हैं कि पूछो आपको क्या दिक्कत है, और डॉट क्लियर के प्यार से सारे तरीके से समझाते हैं। नहीं जी सर, बिल्कुल। अच्छा एक बार बताइए, स्टिक से भी समझाते हैं नहीं समझाते? बिल्कुल सर, स्टिक से भी, और हाँ हर तरीके से मतलब जैसे मतलब जैसे वो समझे कंफर्टेबल हो नहीं सर, जी, बिल्कुल सर। अच्छा अगर बात करें तो सर अगर चाहते तो आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग सिखा देते, डायरेक्ट बता देते, इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं थी उनको, है ना?
तो अभी बेसिक से जो सर बता रहे हैं एक मतलब स्टार्टिंग जहाँ से होता है ईएमएमसी की बात करें तो फिर तो सर वही बात हो जाती है कि मॉडल वाइज हम स्टडी कर लें और मॉडल वाइज जो है हम उसको पढ़ लें तो उससे क्या होगा कि कल के डेट में अगर कोई दूसरा मॉडल आ जाए तो फिर हमें तो बेस चाहिए कि हम अपने से खुद से हम उसको डायग्नोज कर सकें प्लस उसको रिजॉल्व कर सकें, नहीं तो फिर मॉडल वाइज यदि पढ़ते हैं तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है। आगे आने वाले डे में अगर मॉडल चेंज तो फिर हम भी चेंज फिर फंस जाएंगे। तो ये तो सर जो डीप नॉलेज देते हैं और बिल्कुल बुनियादी स्टडी जो होता है स्टार्टअप वाला कि ABCD जो होता है ना कि ताकि आगे चल के हमको नया वर्ड बनाना हो तो हम बना सके, यानी नए अपने स्तर से डायग्नोसिस जो पावर है कैपेसिटी है वो बिल्ड करते हैं। अगर आप उसको जाना चाहते क्या बोलेंगे? मोस्ट वेलकम, और ये प्रॉमिस हम कर रहे हैं कि जो भी आएगा वो अच्छा कुछ ले के जाएगा यहाँ से और बहुत बेहतरीन होके जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेशेंट पे आपने काम किया?